नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बढ़िया सा कोट लेकर, मोटिवेशन देने के लिए आपको, ताकि आप अपने दिन की शुरुआत बहुत ही खुशी से और एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन के साथ शुरू कर सके। तो आज का कोट है, इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। अगर आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, अगर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप ज़रूर उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ भी ढूंढ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और आप एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि अरे चलो अभी आज जल्दी सो जाते हैं, या आप सुबह सो रहे हैं आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि चलो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई कर लूँगी, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब आपके लिए वो काम बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए पढ़ाई इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप उसको डिले कर रहे हैं, आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपके लिए कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो उसके लिए आप रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे, और अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप उसके लिए एक्सक्यूज़ भी बहुत आसानी से दे देंगे। आप बहुत सारे कॉज देंगे कि ये मैं इसलिए नहीं कर सका, इसलिए नहीं कर सकी। तो इसलिए इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे, इफ़ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज़। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।